हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस प्रागिन चैनल। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आपने देखा था, मैंने आपको बताया था जिसकी वीडियो आने वाली है मीटर के ऊपर, तो यहाँ पे आज हम इसका करेंगे मीटर रिपेयर। देख लो पीछे से पूरा ख़त्म पड़ा मीटर ये, तो आज हम करेंगे इसका मीटर रिपेयर कैसे होता है वो सब आपको दिखाएंगे, ठीक है। उसके साथ जैसे कि मैंने आपको बताया था, लॉक साइड इसका यहाँ पर हम चेंज करने जा रहे हैं। देख लो ये लॉक साइड खोल लिया है, और ये जो लीवर है ये चेंज करेंगे। यहाँ पर ये लीवर काफ़ी कट रहा है, ये है पुराने वाला मॉडल का लीवर है, और यहाँ पे जो क्लच ये होगा ये भी कट रहा है, तो उसको चेंज करेंगे क्योंकि बाइक हमारी पूरी फाइनल होने वाली है। तो ये ग्रिप है, इसको ग्रिप को यहाँ चेंज करेंगे इसका। और अभी ये टंकी का ढक्कन आ गया है नया, इसको भी लगाते हैं, ठीक है। ये ढक्कन आया इसका, इसको यहाँ पर चेंज करेंगे, टंकी पूरा आएगा। पीछे से हमने यहाँ से लॉक सेट ये भी नया आएगा, ये हमने खोल लिया है पूरा लॉक सेट। तो आज जो बाइक जो आज की जो वीडियो है वो है हमारे लॉक सेट के ऊपर और मीटर रिपेयर के ऊपर। उसके बाद गाड़ी को हम चला के दिखाएंगे, फिर आखिर में फाइनली जो वीडियो बनेगी वो होगी हमारी सर्विस के ऊपर, मतलब इस बाइक में टोटल कितना खर्चा आ गया, कौन कौन से पार्ट कैसे डला, वो सारे डिटेल में आपको बताया जाएगा। ये पार्ट इतने का प्राइस का, ये पार्ट इतने का प्राइस था, और इस बाइक को बनाने में टोटल कितना खर्चा आया, वो सारी चीज़ आपको जो इसकी अगली आने वाली जो वीडियो है उसमें आपको प्रॉपर डिटेल में समझा दिया जाएगा। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देरी करें। यहाँ पर इसका लॉक सेट, हमने इसका लॉक सेट मंगा लिया ड्यूक 200 का, और मैं आपको दिखाऊंगा लॉक सेट अंदर क्या क्या आता है। इसको खोल लेते हैं, दो चाबी आती हैं, और ये पीछे का लॉक है, और ये स्टीयरिंग लॉक है, और ये छोटा दिख रहा है आपको ये वाला, ये हमारा टंकी का लॉक आता है जिसके साथ ढक्कन नहीं आता, ढक्कन हमें इसमें अलग से लेना पड़ता है। जो न्यू मॉडल जो गाड़ी है, जो 20 और 21 और 19 का मॉडल है, उसमें ये पूरा कम्प्लीटली सेट आता है, ठीक है। पर इसमें नहीं आता, ये हमें अलग से मंगाना पड़ेगा, तो इसको भी लगाते हैं और लॉक सेट में देखें कब कौन कौन सा पार्ट आता है। तो चलिए करते हैं लॉक सेट को फिट। और यहाँ पे आप देखते हो मीटर के ये दोनों टूटे हुए नक्के, अब इसको निकालते हैं बाहर। ये देख लो, ये पीछे का बोर्ड है हमारे हाथ में आ गया। यहाँ पे इसमें स्क्रू लगे होते हैं, देखो ये नहीं है, ये पहले से रिपेयर करा हुआ मीटर है। चलिए इसको बाहर निकाल, देखते क्या हालत है इसकी। ये देखो यहाँ पे इसमें ट्रिप बटन होता है वो भी नहीं है, इसमें देखते हैं शायद इसमें तो नहीं है, यहाँ लगते हैं, इसमें भी नहीं है, कहीं भी इसमें ट्रिप बटन नहीं है। ये पानी गया हुआ दिख रहा है आपको यहाँ से। मीटर की जो हालत है कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही है, और ये जो इसके पीछे जो क्लिप होते हैं जिसमें बैठे वो पहले टूटा हुआ, देखो ये टूटा हुआ यहाँ पर, और ये रिपेयर हो चुका है। देखो ये रिपेयर हो चुका है, देखो पहले से जुगाड़, पत्ता भी टूटा हुआ देख रहा है, जो डिस्प्ले का पत्ता वो भी टूटा हुआ, ये जुगाड़ कर रखा है यहाँ पे। जो मीटर है पहले से रिपेयर हो रहा, तो चलिए अब इसको हम ठीक करते हैं, हम अपने तरीके ठीक करेंगे इसे, क्या है क्या हो पाता है नहीं हो पाता जो भी है, पहले इसको ट्राई करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने अपने पास से अलग से दो बोर्ड ले लिए हैं, ये देखो एक बोर्ड ये रहा और एक बोर्ड ये रहा। तो चलिए इसमें यहाँ पर इसको फिट करते हैं और देखते हैं ये जो इसकी डिस्प्ले है, जो डिस्प्ले है वो ठीक है या नहीं। तो पहले हम इसको यहाँ पर चेक करते हैं दोनों में से कौन सी प्लेट कामयाब है कौन सी नहीं है, और मीटर चालू होता है या नहीं, वो भी सब फिटिंग के बाद आपको बताएंगे। पर जैसे कि आप देख सकते हो जो लॉक सेट है वो अपना लग चुका है, देख लो ये प्रॉपर काम कर रहा है, नई चाबी क्या बात है, इसके साथ आएंगी दो चाबी। लॉक सेट यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है, जो इसकी वायरिंग थी कम्प्लीट हो चुकी है, और यहाँ पर मीटर के अंदर जो वायरिंग थी वो भी कम्प्लीट कर दी, क्योंकि मीटर में अभी काम चल रहा है जैसा कि आपने देखा उसका काम चल रहा है। तो यहाँ पर और इसमें डी कलर से चेंज हुआ है, ये जो क्लच योग है ये पूरा न्यू मॉडल डाला है, क्लच लीवर असेंबली, क्योंकि ये 2012 मॉडल है पुराने वाला, तो इसमें डाला हमने न्यू मॉडल का डाला है। और ये क्लच की तार चेंज हुई है, क्योंकि क्लच की तार की टूट रही थी तो वो हमें चेंज करनी पड़ी। ये जो है मास्टर सिलेंडर फ्रंट लीवर थे, तो यहाँ पर जैसे इसकी जो किट होती है वो ख़राब थी, पूरा यहाँ पर जमा हुआ था, काफ़ी टाइम से गाड़ी खड़ी थी, ब्रेक होता जम गया था, तो यहाँ प्रॉपर मैं सर्विस कर दी इसकी और वो किट चेंज कर दी, इससे कि हमारा पहिया फ्री हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था, जब ब्रेक मार रहे थे तो ये थोड़ा अटक के आ रहा था, पहिया तो फ्री था लेकिन ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा, ये अटक के आ रहा था। अब जो प्रॉपर काम कर रहा है जैसे करना चाहिए, तो सही तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा काम है लॉक सेट का वो हो रहा कंप्लीट, अभी इसमें ये बाकी है, इसको भी चेंज करेंगे, ठीक है। और ये देख लो आप पीछे का, ये भी चेंज हो गया इसका। तो अभी जो ये लीवर चेंज हो गया, अब बात करनी है हैंडल की, तो यहाँ से ये हैंडल बैंड है, ये देखो टच हो गया, और इस तरफ देखो आप कितना गैप है। तो ये हमारा हैंडल बैंड है, तो इसकी बात करते हैं हैंडल
चेंज करना या नहीं जो भी है। तो चलिए पहले बात करते हैं, फिर आपको बताएंगे कि इसमें भी काम क्या करना है हमको। तो फाइनली दोस्तों हमारी बात हुई कस्टमर से और उन्होंने बोला कि ये आप हैंडल चेंज कर दो, ग्रिप वगैरह चेंज कर दो, जो बाइक की जरूरत के पार्ट्स है वो चेंज कर दो ताकि बाइक को चलाने में मज़ा आए और बाइक बढ़िया चले। तो यहाँ पे लॉक शट तो अपने देखने लग चुका है, अभी हम करने जा रहे थे इसमें इंडिकेटर चेंज। यहाँ पे इंडिकेटर देखे तो नहीं है, तो अब इसमें हम लगाएंगे इंडिकेटर। और जैसे कि आपने देखा था इसमें लगा जाता है नकली वाले इंडिकेटर, उसमें थे कुछ चाइनीज़ वाले पेज और उसमें लगा होता जंग, उसको खोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, काफ़ी टाइम लगा क्योंकि नट सारे स्लिप थे, काफ़ी कुछ स्लिप नट थे, खोलने में बड़ी परेशानी हुई। तो फाइनली यहाँ पे जो हमारा एक जो पीछे इंडिकेटर लगता है जिसे बोलते हैं पीछे का मरगाड़ या नंबर पर ब्रैकेट बोल दो जो भी, तो यहाँ पे हम लगाएंगे अपना इंडिकेटर, चारों लगाने वाले इंडिकेटर। यहाँ से भी खोल दिया पीछे से और हमने यहाँ पे आगे से भी खोल दिया है, ठीक है। अभी इसके बाद अब इसका मीटर रिपेयर होने वाला, आपको पास सोच रहे होंगे कि मीटर रिपेयर क्यों नहीं हुआ अभी तक, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है मीटर रिपेयर होने में, तो वो भी हम मीटर रिपेयर कर रहे हैं। उससे पहले सोचा मैंने जो सामान मेरे पास आ चुका है जैसे कि इंडिकेटर आ चुके हैं, क्यों ना पहले मैं इंडिकेटर लगा दूं, जब मीटर काम हो जाएगा मीटर आपको दिखा देंगे। तो चलिए सबसे पहले लगाते हैं इंडिकेटर। एक बार आप इंडिकेटर देखो, ये रहे KTM के इंडिकेटर, ठीक है, ये अभी दो हैं, बाकी दो लगाते हैं दिखाते हैं। चलिए तो आप करते हैं इंडिकेटर को फिट। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर देखो इंडिकेटर अपने लग चुके हैं, देख लो इंडिकेटर यहाँ पर लग रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। पहले जो था वो नोकल से लगे हुए थे और जंग लगा होता, आपने देखा था यहाँ पर बड़ी मुश्किल से वो नट खुले हैं, जैसे कि मैं आपको बता भी चुका पहले भी। तो यार पीछे से ये जो इंडिकेटर है इस बाइक की पूरी लुक को ना अलग ही दिशा देते हैं, बड़ा बहुत प्यारे लगते हैं, इनकी ब्राइटनेस भी अच्छी है। तो पहले हम ब्राइटनेस दिखाएंगे, तो ये तो लग के पीछे मैं आपको आगे की तरफ दिखाता हूँ। इंडिकेटर बड़े अच्छे लगते हैं, लगाते ना चाइनीज़ इंडिकेटर वो अलग ही बेकार लगते हैं, बहुत ही ख़राब, उससे वायरिंग भी काटनी पड़ती है, तो वो अच्छे लगते नहीं बिल्कुल भी, यही इस पर अच्छे लगते हैं। तो चलिए आप दिखाते हैं उसकी ब्राइटनेस कैसी है, वैसे तो आपको मालूम है, जिसको नहीं पता उनको दिखाते हैं। देख लो चाबी ऑन कर दी, यहाँ पर चाबी ऑन कर दी, अब चलते हैं इंडिकेटर चेक। ठीक है, फ्लैश लगा रखा है शायद इसमें, बंद करते हैं इंडिकेटर वाला, ये बंद, ये देखो, ये देखो इसकी ब्राइटनेस देखो कितनी प्यारी है, देख लो ये कुछ अजब चल रहा है, ये देख लो यहाँ भी दोनों चल रहे हैं, कोई फ्लैश तो नहीं लगा रखा पीछे, चेक करते हैं करीब, यहाँ पर भी दोनों काम कर रहे हैं इंडिकेटर है, बट फ्लैश जैसा नहीं कर रहा है, ये देख लो ये तेज कर रहा है, ये थोड़ा स्लो कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि इंडिकेटर शॉर्ट हो। कोई नहीं, चेक करते हैं, अब इसको चेक करते हैं क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे इंडिकेटर बंद करते हैं करी, ये बंद इंडिकेटर बंद भी चल रहा है, और ये वाकई में ये तेज़ है, इसको पन्नी हटा दे पहले, ये देखो तेज़ है थोड़ा सा और ये थोड़ा स्लो है, एक मिनट रख देते हैं यहाँ पे दूसरा इंडिकेटर, वो तेज़ हो गया, ये स्लो, बंद करते हैं इसको, लगता है इसकी कहीं ना कहीं वायरिंग की तो दिक्कत है, वो क्या है चलिए पहले चेक करते हैं फिर आपको बताते हैं, ठीक है। पहले यहाँ से इंडिकेटर जितनी वायरिंग है यहाँ पे लगी हुई उनको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फाइनली वायरिंग जो चेक कर ली, वायरिंग हमारी दिक्कत नहीं है, जो दिक्कत लग रही है हम इस कंट्रोल स्विच के अंदर है, और वो कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इंडिकेटर ऑन करते हैं, चल रहा है, ठीक है, ये दोनों कर चल रहे हैं। अब ये जो हमारा कंट्रोल स्विच है इंडिकेटर का, इसको सॉकेट निकालते हैं, ये देख लो इसको निकालने का कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, बस तेज़ हो गया थोड़ा स्लो हो गया, ठीक है। ये इंडिकेटर का नहीं है, मतलब है तो वही कंट्रोल से पूरा, बट ये इंडिकेटर ये लाइट वाइट के लिए है, इंडिकेटर का सॉकेट है ये वाला, इसे ब्लैक लगा हुआ एक ये वाला, इसको निकालते हैं बाहर, KTM का ओरिजिनल। अब मैं इसको निकालता हूँ बाहर और आपको इसमें फिटिंग करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर देखता मैंने अभी इसका सॉकेट लगा लिया ये इंडिकेटर का, ये देखो बैठ गया इंडिकेटर। अब करते हैं चाबी को ऑन, तो स्विच ऑन हो चुका है, जैसे तो इंडिकेटर में लाइट नहीं आई बिल्कुल भी। पहले क्या हो रहा था, जैसे हम इसको लगा रहे थे सॉकेट को, इंडिकेटर ब्लिंक करने लगे थे। चलिए अब इंडिकेटर ऑन करते हैं, ये कंट्रोल से हमारे हाथ में ही है, ये देखो इसको कर दिया मैंने ऑन, और एक सेकंड में आपको रखते दिखाता हूँ, फ़ोन को दूसरे हाथ में ले लेता हूँ, ये देख लो एक ही काम कर रहा है। पहले क्या हो रहा था, कोई सा भी इंडिकेटर थे चाहे लेफ्ट थे चाहे राइट थे, हमारे दोनों ही शॉर्ट हो रहे थे, मतलब कि दोनों ब्लिंक कर रहे थे, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ना तो गाड़ी हमारे ब्लिंक लगा हुआ है और फिर भी शॉर्ट रहे थे, मतलब कि हमारे जो कंट्रोल स्विच के अंदर दिक्कत थी, और मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब दूसरा चलाते इंडिकेटर, ये देखो लो ये भी चालू हो गया इंडिकेटर, ये नहीं करना पड़ेगा क्योंकि शॉर्ट हो रहा है। तो उसके बाद चलिए इसका कंट्रोल स्विच चेंज करते हैं और फिर फाइनल करते हैं बाइक को, और फिर करते हैं वीडियो प्रॉपर फाइनल।
तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे लग चुका अपना नया कंट्रोल स्विच, देख सकते हो एकदम नया ब्रांड न्यू। जो पहले क्या हो रहा था जिसको लगाते आपने देखा इंडिकेटर शॉर्ट हो रहे थे, वो हमारी दिक्कत खत्म हो चुकी है बाइक के अंदर से। देख लो अभी प्रॉपर ही काम कर रहा है। अभी आप सोच रहे हो मीटर क्यों नहीं रिपेयर हुआ, यार मीटर में ना काफ़ी टाइम लग रहा है। जो मेरे पास खुद का जो डिस्प्ले थी, जो उसके बोर्ड थे मीटर के, वो मेरे भी ख़राब है, तो अभी मुझे दूसरा मीटर अरेंज करने में टाइम लगा है। इसीलिए जो मीटर की वीडियो वो नेक्स्ट आपको सर्विस के अंदर मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल इसी वीडियो को यहाँ पर कम्प्लीट करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, इसीलिए मैं इसको अभी यहाँ पर कम्प्लीट करता हूँ। फिर दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो इसका नया पार्ट आने वाला बहुत जल्दी।